हेलो एवरीवन, आज हम आपके लेके आए बहुत ही अच्छा सा वीडियो। इस वीडियो में हम आज आपको फेशियल करना बताएंगे। ये फेशियल आप डार्क स्किन पे, सनबर्न स्किन पे, डार्क स्पॉट रिंकल वाले स्किन पे और डिस्कल्ड स्किन पर आप कर सकते हो। इस फेशियल को करने से पहले आपको जो हमारा सबसे एंड में जो मास्क लगेगा उसको हमें अच्छे से पानी के अंदर मिक्स करके रख लेना है, जिससे कि वो मेल्ट हो जाए। और उसके बाद जो इसका फेशियल का प्रोसेस है वो हम बताते हैं, जिससे कि सबसे पहले हम क्लीजिंग कर रहे हैं। सो फर्स्ट क्लीजिंग है जेल बेस, जो 2 मिनट के लिए करना है, और फिर सेकंड क्लीजिंग है क्रीम और ऑयल बेस, तो वो भी आपको 2 मिनट के लिए करना है। दोनों को रिमूव कर देना है वेट वाइप टिश्यू से। उसके बाद हम डिटेन भी साथ में कर रहे हैं फेशियल के, तो डिटेन आपको लगा के 10 मिनट्स के लिए छोड़ना है। ये प्लेटिनम ब्रश की हेल्प से आपको लगाना है पूरे फेस पे। हमने पूरे फेस पर डिटेन अच्छे से लगा दिया है। उसके बाद जो हमारा फोर्थ स्टेप है स्क्रब, उसको पूरे फेस पे हम लगा के रखेंगे 5 मिनट के लिए, जिससे वो हमारे स्किन को एक्सफोलाइट करेगा, जो हमारे स्किन का ड्राइनेस है, डेड स्किन है, सबको रिमूव करेगा। उसके बाद हम जो आगे का प्रोसेस उसकी प्रोसेस कर लेना है, जिससे कि जो हमारा फोर्थ स्टेप है रूट बायोनिक्स, उसको निडल के हेल्प से भरना है और उसको एक छोटे से बाउल के अंदर खाली कर देना है। जैसे कि आप देख रहे हो, इस तरह से आपको लेना है निडल में, और निडल में अच्छे से प्रेशर से आपको बाउल में खाली करना है उसको, जिससे कि जिसके बोल्स है वो सारे मर्ज हो जाए। और उसको खाली करने के बाद आपको 2 भाग में बांट लेना है इस तरह से, और जो एक भाग है उसके अंदर जो हमारा फिफ्थ स्टेप है हाइड्रेटिंग जेल, वो मिक्स करके और अच्छे से रख लेना है। पूरा अच्छे से मेल्ट करना है, दोनों को अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद जो हमने स्क्रब लगा के रखा था 5 मिनट के लिए, स्क्रब वो डिटेन, उसको आपको हल्के हल्के हाथ से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि उसमें दाने थोड़े मोटे हैं, तो जैसे कि आप बहुत प्रेशर से करोगे तो शायद रैसेस हो सकते, तो आपको स्क्रब हल्के हाथ से ही करना है, जैसे कि जो आपके डेड सेल्स सारे रिमूव हो जाए। तो हमने स्क्रब को क्लीन कर लिया है, और जो हमारा जो फोर्थ और फिफ्थ स्टेप था उसको हमने स्क्रब के बाद में पूरे फेस पे हम लगा के मसाज करनी है। मसाज आपको 5-6 मिनट के लिए करना है, जिससे कि जो आपका हाइड्रेटिंग जेल है वो स्किन के अंदर ऑब्जर्व हो सके और आपकी स्किन को काफ़ी हाइड्रेशन लेवल मिले। तो आपकी इसकी 5-6 मिनट तक मसाज करनी है। मसाज हमारी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद हम जो हमारा सिक्स्थ स्टेप है रूट बायोनिक मास्क है, उसको हम जो रूट बायोनिक जेल था उसके अंदर हम मिक्स करेंगे, और उसको पूरे ऑल ओवर फेस पे आइस को छोड़ के फैन ब्रश की हेल्प से पूरे फेस पे लगाना है, और 10 to 15 मिनट्स के लिए आपको लगा के छोड़ देना है। बाद में हम स्पैचुला की हेल्प से इसको इस तरह से रिमूव करेंगे। हमारे जितने भी प्रोडक्ट है स्क्रब के बाद में, किसी को भी हमने पूरे फेस पे से रिमूव नहीं किया है, वेट वेट टिश्यू से हमने क्लीन नहीं किया है। स्पैचुला से हमको सब सारे प्रोसेस को क्लीन करना है, और वन बाय वन एक एक के ऊपर आपको वर्क करते जाना है। तो हमने जो हमारा मास्क लगाया था उसको स्पैचुला की हेल्प से हमने पूरा रिमूव कर लिया है, और उसके बाद इसी के ऊपर हम जो हमारा मॉइस्चराइजिंग जो मसाज है, क्रीम मसाज है, जो ऑयल और क्रीम बेस है, उसकी हम 15 से 20 मिनट तक मसाज करेंगे।
जैसे कि आप देख रहे हो इस तरह से आपको पूरे फेस और नेक एंड बैक पे अच्छे से कम्प्लीटली आपको मसाज करनी है। उसके बाद हमारी मसाज कंप्लीट हो जाती है, आपको उसको भी क्लीन नहीं करना है। उसी के ऊपर आपको जो हमारा गौज है उसको पूरा गीला करना है और उसको पूरे फेस पे लगा देना है। और जो हमने सबसे पहले जो सीड मास्क को हमने भिगो के रखा था उसको हम पूरे फेस पे लगाएंगे गौज के ऊपर, और उसको हम पूरे 15 से 20 मिनट तक लगा के छोड़ देंगे। बीस मिनट बाद में आपको इस मास्क को हटा लेना है। मास्क को हटाने के बाद में आपको पानी यूज़ नहीं करना है, वुडन की स्पैचुला की मदद से इसको रिमूव करना है। और उसके बाद में आपको पूरे फेस पर सनस्क्रीन अप्लाई करना है। और रिज़ल्ट इसका बहुत अमेजिंग है, मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ। ग्लो और हाइड्रेशन सब कुछ बहुत अच्छा है, रिज़ल्ट आप खुद देख सकते हो। अगर हमारा वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।